एग्जाम्पल है बच्चों, आपके पास पेज नंबर 110 पे अनसोल्व है, ठीक है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम वेजिटेबल इज रुपीज 400, 400 रुपीज है, और कितने किलो वेजिटेबल सब्जी है, 5 किलो, यानी कि 5 किलोग्राम वेजिटेबल्स की जो प्राइस है वो है 400 रुपीज, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 13 kg वेजिटेबल्स, ठीक है। 5 किलो का तो हमें पता है यार 400 रुपये की आई है, लेकिन हमने फाइंड करनी है 13 किलोग्राम वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा, गिवन डाटा आपके पास क्या है, 5 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल यहां पे लिखते हैं प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम वेजिटेबल इज 400। फाइंड आउट कितने की करनी है, 13 किलोग्राम की। तो सबसे पहले हम 1 किलो तो बता दें, हिसाब लगा लें 1 किलो कितने की होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल, 1 किलोग्राम कितने की आएगी, 400 को डिवाइड करवा देंगे 5 के साथ, तो बच्चों आंसर आएगा आपके पास आई थिंक 80। करके देख लेते हैं, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर, 5 × 8 = 40, बाकी ये 0 पर चला जाएगा, बाकी बच जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80, ठीक है। अब 1 किलोग्राम वेजिटेबल की प्राइस आ रही है 80, और हमने कितने की फाइंड करनी है, 13 की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्राइस ऑफ 13 किलोग्राम वेजिटेबल, वेजिटेबल इज 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ, 0 0 मल्टीप्लाई 8 × 8 = 16 = 24, 2 कैरी, 8 × 8 = 9 10, लें जी 1040। टोटल जो बच्चों आपके पास प्राइस आ रही है 1040, कितनी, प्राइस ऑफ 13 kg वेजिटेबल इज 1040 रुपीज़।